आप चाहते हैं आपकी फैमिली में पीस आए, आपके सेवकाई में पीस आए, आपके पर्सनल लाइफ में शांति आए, तो उसका एक ही इलाज है, फाइट, लड़ाई, अपनी पड़ोसन से नहीं। हाँ, अब पड़ोसन के झूंडे मत पकड़ लेना जाके कि शांति चाहिए तुझे, फेंटी चार के मिलेगी। लड़ाई किससे? अपने आप से, अपनी अभिलाषाओं से, उन सवालों से जो शैतान आपके दिलों में डालता है, उन सवालों से जो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े करता है, उन परीक्षाओं से जिससे आप गुजर रहे हैं, उनसे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से, अंधकार से, शक्तियों से है जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि अगर पीस चाहिए, वो फैमिली का हो, वो फाइनेंस का हो, तो मुझे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वायदा बिना लड़ाई लड़िए पूरा नहीं होगा। पुराने समय में जब लड़ाई इंसानों के साथ होती थी तो बाइबल कहती है वो लड़ते थे, परमेश्वर कहता था कि वो देश मैं तुम्हें देता हूं, जाओ लड़ो और जीतो। उनके झोली में ऐसे देश नहीं आता था, वो जाते थे, लड़ते थे और जीतते थे। और आज भी ऐसा ही है, परमेश्वर बदला नहीं, लेकिन आज लड़ाई हमारी देशों के साथ नहीं, इंसानों के साथ नहीं, किसी जाति के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ है। और अगर हम चाहते हैं वही पीस, अगर हम चाहते हैं वही ब्लेसिंग, अगर हम चाहते हैं वही परमेश्वर की योजना, अगर हम चाहते हैं खुदावंद का वो प्लान जो मेरी लाइफ में पूरा हो, तो मुझे लड़ना पड़ेगा। आमीन। मुझे फाइट करनी पड़ेगी, मुझे एक वॉरियर, एक लड़ाका बनना पड़ेगा, एक फौजी बनना पड़ेगा, और मुझे लड़ना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं क्रिश्चियनिटी बेचारों के लिए नहीं, जो अपने आप को बेचारा समझते हैं, ये उनके लिए नहीं। आप बेचारे हो सकते हैं रियल में, पर बाइबल कहती है जो बलहीन है वो बोले मैं वीर हूं। आप वीर हैं यीशु के नाम में, आप फलवंत हैं यीशु के नाम में, सारे कर्ज टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।